उधर बड़ी खबर आई अमेरिका और ईरान में बड़े टकराव से जुड़ी खबर है कि अमेरिका की सख्ती से घबराए ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमलों के पीछे हाथ होने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि अगर कोई चरमपंथी गुट अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है तो इसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है, जबकि अमेरिका ये आरोप लगाता आया है कि ईरान के इशारे पर ही उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाके सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बना रहे हैं। यानी अमेरिका इसके लिए सीधे सीधे ईरान को ही जिम्मेदार मानता है, इसीलिए उसने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिए और चेतावनी दी कि अगर दोबारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अमेरिका के इस सख्त रवैये को देखकर ईरान घुटनों पर आ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों में उसकी भूमिका होने से के आरोपों से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका वहां अपने सैनिकों पर हो रहे हमलों के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा करता आया, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को दुश्मन मानने वाले ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के कई गुट सीरिया और इराक में एक्टिव हैं, जिन्हें ईरान से आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं। और अमेरिका का आरोप है कि ईरान के इशारे पर ही वो चरमपंथी गुट अमेरिकी सेना के अड्डों पर हमला करते हैं। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सेना के खिलाफ किसी भी हमले में ईरान के शामिल होने के आरोपों से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई चरमपंथी गुट अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है तो उसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है, जबकि अमेरिका बार बार ये कहता आया है कि ईरान साजिश के तहत उसके सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ईरान पर लगाम कसने के लिए उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया था, और माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान बैकफुट पर आ गया, क्योंकि अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया था, जिसमें ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों की फंडिंग के मामले में संदिग्ध 11 लोगों और 8 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने दावा किया था कि जिन लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए वो ईरान के इशारे पर काम कर रहे थे। और सीरिया और इराक में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों को अवैध तरीके से आर्थिक मदद दे रहे थे, जिसके दम पर उन संगठनों के लड़ाकों ने अमेरिकी सेना की नाक में दम कर दिया। इसीलिए अमेरिका ने सख्ती बरतते हुए ईरान समर्थित लड़ाकों को खुराक पहुंचाने वालों के पर कतर दिए।